तो गाइस देखिए सनराइज होता हुआ, वो हो बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं नाग टिब्बा पे, जो टॉप बेस कैंप है, सबसे ऊंचा बेस कैंप है। 4:30 बज चुके हैं सुबह के, निकलते निकलते 4 बजे निकलना था, लेकिन 4:30 बज चुके हैं, तो हमने अभी ट्रैकिंग शुरू कर दी है। तो 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो गाइस 10 मिनट हो गए हमें ट्रैक करते हुए, और मौसम बिल्कुल ठंडा है, चिल्ड है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। और ये रास्ता है, पेड़ों से नीचे झुक झुक के होके गुजरना पड़ेगा। ये सबसे डेंजर पार्ट हो रहा है, दिखा देता हूँ। ये देखिए, खड़ी है, बिल्कुल स्टीप क्लाइंब है बिल्कुल, और ये बर्फ में ग्रिप नहीं बन रही है। चुके हैं बहुत से लोग, फिसल चुके हैं, आधे लोग तो नीचे जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे ऊपर। ये पूरी बर्फ हाँ। चलते हैं ऊपर, हिम्मत नहीं हारना, चलते रहो। आधे घंटे का ट्रैक हो रहा है आई थिंक। अभी बंद करता हूँ, अभी चढ़ाई पे ध्यान देते हैं, वीडियोग्राफी करते रहे तो गिर जाएंगे कहीं। तो गाइस ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, सामने देखिए पीक, और ये नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे से आए हैं हम। ये दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल नीचे, और ये बर्फ़ जो इतनी स्लिपरी बर्फ़ है, मतलब क्रॉल करके आए हैं हम, जुबान चल नहीं रही है, एक तो सांस बहुत चढ़ गई है। कंटिन्यू चल रहे हैं, हमने कहीं ब्रेक नहीं लिया, लेकिन बर्फ़ पे जो फिसल रहे हैं ना, वो ख़तरनाक है। इसके लिए तो जूते, यार ट्रैकिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, हो सके तो स्पाइक्स वाले जूते। ब्लैक आइस है नीचे काफ़ी, अब तो हम जैसे है, अब तो दब रही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सामने सनराइज होगा। तो गाइस गाइस गाइस, वी डिड इट। गढ़वाल की सबसे ऊंची पीक है ये नाग टिब्बा, 9947 फीट। अमित भाई या ब्रो, एक बार फिर हम अचीव करते हुए टारगेट, कैसा फील हो रहा है? बहुत मजेदार भाई, हमने कर दिया, मतलब रुके नहीं, सब लोग सरेंडर कर रहे थे, कई लोग तो वापस जा चुके हैं, सरेंडर नहीं किया, बहुत फिसले लगा भी, डर भी लगा, लेकिन चलते, हिम्मत नहीं आ रही, हमने इवेंचुअली भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई लोग तो कह रहे हैं हम नहीं वापस जा रहे भाई, उतरना भी, हमें गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, लेकिन भाई। तो अभी मैं लूंगा अपना टाइम लैप्स सनराइज का। अभी मैं हूँ झंडी टॉप पे, जो हाईएस्ट पीक है नाग टिब्बा का, 9947 फीट पे, और मैं अभी 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। चारों तरफ पीछे मेरे सनराइज हो चुका है, ये देखिए चारों तरफ का व्यू, पीछे सनराइज है, ये देखिए चारों तरफ का व्यू, देखिए बहुत ही खूबसूरत है नाग टिब्बा। ये देखिए डॉगी, ये हमारे साथ चल रहा है सुबह से, जब हम 450 पे चले, ये हमारे साथ चल रहा था, ये देखिए कितना बढ़िया डॉगी है, पूरे रास्ते हमारे साथ चला है ये। तो गाइस अभी जैसे कि आपको पता है, हम हैं नाग टिब्बा पे, और सबसे ऊंची पीक पे। तो हमें दो भाई मिले हैं यहाँ पे, मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से, शिशुपाल सिंह रावत। शिशुपाल सिंह भाई हैं। मैं पंकज दिल्ली से। कब आए थे आप? मैं कल ही आए हैं। अच्छा, कल ही आए हैं हम, शादी में आए हैं, यहाँ पे नीचे गांव में एक हमारे भी शादी में आए। अच्छा, शादी में आए, शादी में आए थे, मोस्टली मेन हमारा मोटो शादी में, शादी को अटेंड करना था। अच्छा अच्छा, बट ये कि हम लोग चलो फिर घूमने भी आ गए। तो इसी तरह देखो, हमारा सफ़र में नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए भाई मिलते हैं हमें, तो ऐसे ही हमारी फैमिली, हमारी YouTube फैमिली बढ़ती जाती है।
थैंक यू भाई। और पहाड़ों की कौन कौन सी पीक है भाई बताओ आप? हमारे साउथ में इसमें मसूरी है, जस्ट हमारे अपोजिट बिहाइंड साइड जाएंगे हम तो ये हमारा ये पोर्शन हमारा पुरोला हो गया, साकरी हो गया या उस वाले रूट को निकल जाता है, जस्ट हमारे हम जाएंगे अपने साउथ में हम निकल रहे हैं, तो साउथ में ये हमारा इधर पत्थरखोल हम यहाँ से नीचे डाउन जा सकते हैं। अच्छा। बट हमें तो जाना था पंतवाड़ी है और पत्थरखोल से हम चिड़ियालीस और उत्तरकाशी और गंगोत्री को निकल सकते हैं। और मैं एक और आपको नई चीज़ चाहूँगा कि जस्ट हमारे यहाँ से नीचे डाउन देवलसारी है, देवलसारी यहाँ पर पास एक जंगलात का बंगला है, बहुत बड़ा जिसे बोलते हैं हम डाक बंगला बोल सकते हैं, लैंग्वेज में वन विभाग की लैंग्वेज है डाक बंगला। देवलसारी में वहाँ भी एक ट्रैक रूट है, वहाँ भी स्टे होता है, सामने बंदर पीक भी बंदरपुश जस्ट हमारी इस साइड आ रही है पुरोला साकरी साइड। अच्छा बंदरपुश इस साइड। अच्छा। और ये साइड से हम जा रहे थे, ये मोस्टली ये टीरी वाला इलाका है टीरी। अच्छा। और ये टीरी से ये साइड से हम करते निकल सकते हैं श्रीनगर और फिर हम चारधाम वाले रूट में जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट में हम निकल सकते हैं। अच्छा यहाँ से निकल। यस यस। तो भाई ने इंफॉर्मेशन दी है हमें, बहुत ही बढ़िया है यार, भाई का थैंक यू यार। ये बादल जो नज़र आ रहे हैं ना सामने, अल्टीमेट नज़ारा दिख रहा है यार, बहुत ही शानदार, क्या शानदार व्यू है। वो ठंड है भाई और मज़ा आ गया यार, आज का जो एडवेंचर हमने किया है, जो ट्रैकिंग की है, ये तो याद रहेगी पूरी ज़िंदगी। और जो लोग हमसे आगे थे 20-25 लोग, और सबसे पीछे रह गए और आधे वापस भी चले गए, और सबसे पहले पहुंचने वाले हैं अमित भाई और मैं। और जो सनराइज़ हम दोनों ने देखा है, हमने सनराइज़ आज का जो सनराइज़ है एक्सक्लूसिव मेरे चैनल पर ही आप देखेंगे। तो गाइस काफ़ी एंजॉय किया, कम से कम 1.5 घंटा हमने ऊपर खूब एंजॉय किया है, और अब हम वापसी जा रहे हैं अपने कैंप साइट पे। अब उतरना उससे ज़्यादा मुश्किल है जितना हमने इंक्लाइन किया था, तो इसलिए बड़े ध्यान से उतरना पड़ेगा। ये देखिए चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ, अभी स्लिपरी है बर्फ़, देखो नीचे कितनी बर्फ़ है, ये देखो कितनी बर्फ है। जिस रूट से हम आए थे रात है तब तो पूरा अंधेरा था, तब तो दिखाई नहीं दिया होगा, तो अभी वापसी जाते समय मैं आपको ये रास्ता दिखाऊंगा किस टाइप का रास्ता है, जब आप आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि रास्ता किस टाइप का है। चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बहुत, और एक बार तो मैं स्लिप कर चुका हूँ, जैसे पैर रखते नीचे स्लिप मारता है। ये पीछे देखो सारा, इतनी ऊंचाई से आ चुके हैं हम, और ये अमित भाई नीचे, और ये नीचे तक जाना होगा, वो बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। अमित भाई क्रॉल कर करके जा रहे हैं, सब ऐसे ही जा रहे हैं, हम भी ऐसे घिस घिस के जा रहे हैं। टर्न करो, टर्न टर्न टर्न। अरे गाइस ऑलमोस्ट डन, ये देखिए कितनी ऊंचाई से हम आए, और शेरू हमारे साथ आता हुआ ये रहा शेरू, और ये देखिए आगे जाना है, नीचे तक जाना है, वो बर्फ़ है वहाँ तक, और ये देखिए ग्रेट हिमालयन पीक्स, कितनी शानदार पीक्स हैं। मीत भाई चलो चलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ से जो मेन बर्फ़ शुरू हुई थी, आइस जो है बढ़ती गई और बहुत ऊपर जाके तो ऐसी हालत ख़राब कर दी इसने, मतलब कि सोच लो हम 40 लोग गए होंगे तो सिर्फ 10 लोग ऊपर पहुँचे थे, 30 लोग वापसी हो लिए, और फिर ग्रुप ही वापस, पूरा ग्रुप वापस, जब वो गिरने लगे ना ऊपर जाके, जब वो एकदम खड़ी चट्टान आ गई, खड़ी चढ़ाई आ गई, और ऊपर स्लिपरी बर्फ़ थी, लोग फिसलने लगे, धड़ा गिरने लगे, तो सबका मॉरल डाउन हो गया, सब अंधेरा, हाँ एक अंधेरा था ऊपर से, हमें भी बहुत दिक्कत हुई है, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में ग्लव्स, एक हाथ में कैमरा और गिरे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ये रास्ता देख लो, ये देखिए, ये अब कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे तो बढ़िया रास्ता है, जंगल वाला रास्ता रहेगा ऐसा ही। अभी नाग टिब्बा का जो मंदिर है, मेन टेम्पल है नाग देवता के, हम जो मंदिर है उस वहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद फिर सीधा अपने कैंप पे।
ये व्यू देखिए और ये विंटर लाइन देखिए, ये पूरी एक लाइन नज़र आ रही होगी आपके माउंटेन के ऊपर, पूरी स्ट्रेट लाइन, ये विंटर्स लाइन है जो सिर्फ विंटर में ही नज़र आती है। ऊपर भी मैंने दिखाई है आपको, और नाग टिब्बा का जो मंदिर है वो यहाँ पे है नीचे। अब नीचे जाना पड़ेगा हमें, फॉरेस्ट वालों ने ये घर बना रखा है। तो गाइस 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 हम पहुँच गए हैं नाग देवता के मंदिर, और ये देखिए मेरे पीछे सामने ये है मंदिर, आप देख पा रहे होंगे पीछे मंदिर, और काफ़ी ट्रैकर्स आए हुए हैं। जो भी मेरा व्यूअर्स है जो देख रहा है नाग देवता का मंदिर को, नाग देवता उनके सब कष्ट दूर करे, भोले बाबा उन सब के कष्ट दूर करेगा। ये है मंदिर नाग देवता का, जय हो नाग देवता, जय हो नाग देवता, सबके कष्ट दूर करे नाग देवता। जो भी आपको देख रहा हो नाग देवता, आप सभी के कष्ट दूर करे। और हमने परिक्रमा पूरी कर ली है, और ये देखिए काफ़ी बहुत ही पुराना है ये मंदिर है। तो हमने अभी मंदिर में आपको दर्शन करा दिए, अब हम सीधे चलेंगे कैंप साइट पे, वो जाके हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे पानी के साथ में। मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपने नाग टेंपल जाना है तो ये रास्ता है, ये देखिए यहाँ से जाना पड़ेगा आपको, और अगर समिट जाना है, पीक पर जाना है, तो ये वो रास्ता है साथ वाला। ये बीच में आपको मकान नज़र आ रहा है, ये अपना फॉरेस्ट हाउस है, और ये रास्ता देख लो सामने, सामने देख लो ये रास्ता है यहाँ पे, ये देखिए सारा ये निशानी देख लो, ये छतरी होगी एक, ये छतरी एक, ये छतरी, और ये अपना फॉरेस्ट हाउस, और ये व्यू देखो यहाँ से सामने से व्यू, कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी हम वहाँ से होके आए ऊपर वाली पीक पे, वो सबसे ऊपर, वहाँ से फिसलते फिसलते ये बर्फ़ आपको दिख रही होगी, ये पूरे फिसल फिसल के आए हो, देख देखो यार कित बहुत ही शानदार था ये आप जो वाइट वाइट बर्फ़ देख रहे हैं ना, यहाँ से हम आए हैं ऊपर, और इतने फिसल फिसल के आए ना, आपने देखा ही होगा अभी, और ये पीक देख रही है, पीछे पीक है हिमालय की। आप लोकल हो यहाँ के? कहाँ से आए? पंतवाड़ी से। अच्छा अच्छा, कहाँ टेंपल जा रहे हैं? मंदिर मंदिर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओके, राम राम जी, राम राम। होया है मंदिर? हम तो ऊपर तक आए, होया है हाँ पीक तक, बहुत बर्फ है, फिसल फिसल के गिरे हम तो, अब बर्फ तो बहुत है ऊपर, तो बहुत बर्फ है। ओके प्रणाम जी। तो गाइस 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 एट लास्ट हम अपने कैंप में पहुंच गए हैं, ये सामने देख पा रहे होंगे ये ग्रीन और ब्लू, ये हमारे वाले कैंप है दो, और बाकी सब पैक हो चुके हैं, सब जाने को तैयार हैं। और यहाँ का व्यू देख लीजिए सामने का, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अब कैंप में जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम भी पैक करके निकल जाएंगे। कल शाम को हम यहाँ पहुँचे थे और अंधेरा हो चुका था, तो आपको कुछ नज़र नहीं आया होगा, तो अभी आप देख पाएंगे हमारे ये कैंप है, दो कैंप पीछे जो अब उतार रहे हैं अभी कैंपों को, और ये पीछे दो प्राइवेट कैंप है, और यहाँ पे इंडियन हाइट्स वाले के कैंप लगे हुए थे, और मैं पीछे का व्यू दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, और छोटे छोटे घर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जस्ट अभी हम अपनी पैकिंग करते हैं और फिर निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेंट में थोड़ी स्पिरिचुअल बातें हो रही हैं सर, क्या क्या है सर पैसा? मोह माया ओएलएक्स पे बेच देना, इसलिए मोह माया, इसलिए ओएलएक्स पे हम ये गोप्रो 9 बेच देंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स मोह माया। तो गाइस 1:12 हो चुके हैं और हम चल पड़े हैं अपने कैंप से, ये रहे पीछे हमारे कैंप, और ये आगे अमित भाई और मीत भाई जा रहे हैं आगे, और अब उतरने में हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि थकावट नहीं होती उतरने में, पैरों में थोड़ा जोर तो पड़ता है लेकिन थकावट वाला पार्ट अभी उतरने में नहीं लगेगा हमें। तो होप सो जल्दी हम उतर जाएंगे नीचे, और नीचे जाके हम करेंगे लंच के बाद हम निकल जाएंगे अपने दिल्ली को। तो गाइस ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, अगर हम ऊपर जाते हैं पीक के लिए, और लोअर बेस कैंप है जो वहाँ से,
ये देखिए बिल्कुल खड़ी चढ़ा, वो ऊपर से आए हम, और ये देखो नीचे देखो कहाँ तक जाना है और इतना सामान लेके, और ये देखिए कितना खतरनाक चढ़ाई है। ऊपर पीक पे जाने के लिए ये मैं दिखा देता हूँ, दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता जा रहा है सामने, आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल खड़ी ढलान है, बिल्कुल ढलान है, अगर आप में दम है तभी आप इस रास्ते से जाना, और ये रास्ता जा रहा है साइड से, और ये बिल्कुल ठीक रास्ता है, इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन इस रास्ते में उतरते समय आ सकते हो, जाते समय भाई यही रास्ता लेना है साइड वाला। और ये देख लो ये कौन सी लोकेशन है, ये मैदान आपको दिख रहा होगा साथ में, और मैदान से जस्ट ऊपर जाते ही ये दो रास्ते कट जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जाते समय ये शॉर्टकट ही यूज़ मत करना, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। हम आ गए हैं फर्स्ट बेस कैंप पे, ये सामने देखिए फर्स्ट बेस कैंप, और ये प्रवेश द्वार नागडिब्बा पैदल मार्ग। और गाइस अगर आपको पानी पुनी कुछ भी भरना हो, जाना हो ऊपर, तो ये पानी का स्रोत है, यहाँ से ले जा सकते, यही एक मात्र पानी का स्रोत है। और ऊपर जो सेकंड बेस कैंप है वहाँ पे एक वेल है, और वो अगर कोई होगा वहाँ लोकल तभी वो बता सकता है, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं वो। तो गाइस हम कुछ ही मिनट में अपनी जो बाइक पार्क की है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, और ऑलमोस्ट हमारा ट्रैक ख़त्म हो चुका है, नागटिब्बा का ट्रैक। बहुत ही शानदार ट्रैक था यार, बहुत ही फाड़ू ट्रैक, बहुत ही ख़तरनाक ट्रैक, और मैंने फर्स्ट टाइम कैंपिंग की है, सेल्फ कैंपिंग, और उसका भी एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। हाँ तो बस जस्ट हम अपनी बाइक के पास पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद फिर सीधा जाएंगे पंतवारी में जाके लंच करेंगे। तो रास्ता देखो, ये रास्ता है, एक बड़ा पत्थरी पत्थर है, और ये पंतवारी है सामने, देखो ये रही सामने पंतवारी, और व्यू देखो सामने कितना ब्यूटीफुल व्यू है। ये छोटे छोटे गांव है, जितने घर दिख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। तो गाइस एट लास्ट हम पहुंच गए हैं अपने पार्किंग स्पेस पे जहां हमने बाइक पार्क करी थी, और यहां पे हमारा नागटिब्बा ट्रैक ख़त्म होता है, पूरा होता है, और बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही खतरनाक फाड़ू ट्रैक था, और हमने बहुत फास्ट किया। अच्छा हम यहां से कल आई थिंक 3:30 बजे चले थे, और अभी भी शायद 3:30 बजे होंगे, 24 घंटे में हम ट्रैक करके आ गए हैं, ऊपर पीक तक जाके आ गए हैं, और सनराइज़ हमने कैप्चर करा है। तो अभी चलते हैं नीचे और फिर करेंगे लंच, और फिर सीधे भागेंगे घर को।